السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ناظرين كرام جهنم اور اس کا عذاب इस मौ की बारहवीं नशस्त में आपका पुरजोश इस्तबाल है नादरी कराम गुज्त नशस्त में आपके सामने उन अमाल का तस्करा किया जा रहा था जिन आमाल का मरतकब ज़हन्नम में जाने का मुस्तक होता है और जिन आमाल से आदमी ज़हन्नम में जा सकता है और जो आमाल इंसान को जहन्नम में ले जाने वाले हैं और इनमें से बाज अमाल का आपके सामने तस्करा किया गया बाज़ मजीद अमाल का मैं इस नशस्त में आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ चुनानचे उन अमाल में से जो अमाल इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाते हैं एक अमल है रोज़ा ना रखना रोज़ा अल्लाह तबारक त साल में एक महीने का फ़र्ज फरमाया है मुबारक का महीना हमारे ऊपर फ़र्ज है या लदीना आमनु मनु खुत सियामु कमा कुत अल लदी मिन कबल कुमलाकुम तकून अय मोमिनो तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले रोज़े फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ एक महीने का रोज़ा फ़र्ज है जब कोई आदमी बिला किसी शर उज़्र के रोज़ा नहीं रखता है तो ये उसको जहन्नम में ले जाने वाला अमल है चुनानचे सही उतरगीब तरहीब नौ सौ पंचानबे की रिवायत है अल्लाह के नबी नबीम को जहन्नम के मनाजिर दिखाए गए उसमें एक मंजर आपने आपनेत ही हौलनाक ये देखा कि कुछ लोगों को देखा जिनको उल्टा लटका दिया गया था और उनके जबड़ों को मुंह को चीर दिया गया था और जिससे खून बह रहा था नबीसम ये मंज़र देखने के बाद दहल गए अल्लाह के नबी आलम ने फरिश्तों से पूछा तो फरिश्तों ने बताया कि ये वो लोग हैं जो अपना रोज़ा मुकम्मल नहीं करते हैं और वक्त होने से पहले इफ्तार कर दिया करते हैं यानी रोज़े का अहमाम नहीं करते हैं इसलिए उनको ये सजा दी गई है कि उन्हें उल्टा लटका कर उनके जबड़ों को चीर दिया गया है इसी तरह से नदरीन कराम अमाल में से एक अमल क़ुरान और हदीस का इल्म यानी हक बात छिपाना है नादनी ने किराम हमें इसकी तरफ बहुत तवज्जो तो देनी चाहिए आज माशरे और समाज में जो माहौल है हमारे अक्सर मुसलमान भाई हमारे अक्सर मुसलमान और दुआत और मुबलगिन इस मर्द के शिकार हैं और लोगों को हक बात नहीं बताते हैं इस्लाम में शिरक नहीं है मगर लोगों को शिरक की तरफ ले जाते हैं इस्लाम में बिदात नहीं है मगर लोगों को बिदात की तरफ ले जाते हैं ज़रूरी है कि हम लोगों को शिरक बताएँ लोगों को बिदात बताएं और लोगों से हाँ बात ना छिपाएं इसलिए कि जहन्नम में ले जाने वाला अमल है चुनान चुहराल्ला तरफो रवायत है कि नबी आलामिन शातुमाया मन अन फ़त मझि बिल जा बिल जा, जा मन् नार ययाम यह इतमी की रवायत है कि जिससे कोई इल हासिल किया जाए इम पूछा जाए किसी इनके बारे में सवाल किया जाए मगर वो उसको छिपा ले उसको ना बताए तो अल्लाह तबारक ताल उसे जहन्नम के आग का लगाम पहनाएगा तो इल्म का छिपाना ये बहुत बड़ा जुर्म है और बहुत बड़ा गुनाह है क्योंकि अगर हम इम छिपाएंगे नादरीन के राम तो आखिर ज़रा बताओ लोग पर परमल कैसे करेंगे सुन्नत पर परमल कैसे करेंगे अल्लाह के नबी आसलाम के ज़माने में शिर्क का कोई अड्डा मुसलमानों के पास नहीं था कोई मरकज़ नहीं था मुसलमानों के पास आज मुसलमानों के पास सैकड़ों और हज़ारों अड्डे चिट करने के बिदात के कोई नामों निशान नहीं था आज मुसलमानों के पास सैकड़ों और हज़ारों बिदात हैं लिहाजा इल्म को आम करना चाहिए हक बातों को बताना चाहिए और हक नहीं छिपाना चाहिए नादिन ने के नाम उन्हें में से एक अमल दोगलापन इख्तियार करना यानी दो लोगों से दो तरह की बात करना आपके सामने आए तो आपकी बात करें दूसरे के सामने गए तो आपकी बुराई करें और उनके सामने गए तो उनकी अच्छाई करें तो दोगलापन गलापन करना और दो रुखापन अख्तियार करना और एक हक पर कायम ना रहना तो ये भी जहन्नम में ले जाने वाला अमल है ये उस्मान रजी अल्लाह तआला तो से रिवायत है कि अल्लाह के नबीत वसल्लाम ने फरमाया कि जिसके पास दो चेहरा होगा कै दुनिया में क़ियामत के दिन उसके पास दो जबान होगी आग की दो जबान होगी आग की तो वालों के साथ भी और शिरक वालों के साथ भी तोहद वालों के साथ उनकी तारीफ करो आप बहुत अच्छे हैं आप जो कह रहे हैं बहुत सही है शिरक वाले के पास जाए तो उसकी तारीफ करें आप बहुत अच्छे हैं आप जो कर रहे हैं सही है सुन्नत वालों के पास भी सुन्नत की बात करें बिदात वालों के पास जाए तो बिदात की बात करें चूँकि जबान से दोगलापन का इजहार होता है इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको आज की दो जबान जो है मिलेगी इसी तरीके से नादरिन कराम उन अमाल में से जो जहन्नम में ले जाने वाले अमाल हैं झूठी अफवाहों को फैलाना झूठी खबरों को आम करना ख़बरों को बिला तहक़ीक जो है फारवर्ड करना आगे करना सोशल मीडिया के इस माहौल में आज ये गुनाह आम होता जा रहा है हमारे नौजवान व्हाट्सएप फेसबुक और दूसरे जराय से बातें जो आती हैं उसको फॉरवर्ड करते चले जाते हैं बात सही है गलत है दुरुस्त है गैर दुरुस्त है उसकी तहकीक नहीं करते झूठी खबरों को आम करना अफवाहों को फैलाना ये जहन्नम में ले जाने वाला अमल है समरा बिन जिंदु रजील्स रवायत है उसी हदीस में जिस हदीस में अल्लाह के नबी सलाम को जहन्म के मनाजिर दिखाए गए थे कि अल्लाह के नबी आल सलाम ने एक आदमी को देखा जिसके जबड़े नथने और आँखें लोहे के आरे से चिरी हुई थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा ये ऐसा शख्स कौन है उसको इस सजा क्यों दी जा रही है अल्लाह के नबी से बताया गया कि ये झूठी खबरें गढ़ करके पूरी दुनिया में फैला देता था इमाम बुखारी रही की रिवायत करदा हदीस है तो नाजरिन कराम झूठी खबरें गढ़ करके ये फैलाना चाहे हम गढ़ करके हम फैलाएं या दूसरे लोग फैलाएं ये इसमें दाखिल हैं ये जो है क्या नाम है आ जहन्नम की तरफ ले जाने वाला अमल है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है जहन्नम में ले जाने वाले अमाल में से एक अमल जना करना है नौजबिल्ला जना जो हराम है अल्लाह तबारक ताली ने उसे बहुत बड़ा गुनाह बताया है उसे दूर रहने का हुक्म दिया है जेना करना यह जहन्नम की तरफ ले जाने वाला अमल है चुनानचल्ला के नबी नबीम ने उन्हीं मनाजिर में जो मंजर आपको जहन्नम के दिखाए गए एक मंज़र ये देखा कि एक तन्नूर है जिसमें आग भड़क रही है और उसमें बहुत से नंगे मर्द और नंगी औरतें हैं जब आग के शोले बुलंद होते हैं तो ये मर्द औरत ऊपर उठ जाते हैं और जब शोले हल्के होते हैं तो नीचे गिर जाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस होल्लाक मंजर के बारे में पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि तन्नूर में जो आपने नंगे मर्द और औरतों को जलते हुए देखा तो ये जानी मर्द और जानी औरतें हैं वली आज इमाम बुखारी बखाली की रिवायत करदा हदीस है इसी तरह से जहन्नम की तरफ ले जाने वाले अमाल में से एक अमल सूद खाना है सूद जो शरीत इस्लामिया में हराम है शे क़ुरान के नस से हराम है हदीसों से हराम है और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यहाँ तक बयान फरमाया है बकिया वकिया मुमिन फैलम तफ आलो

तो सूद का खाना ये जहन्नम की तरफ ले जाता है अल्लाह के नबी सलाम को उन्हीं मनाजिर में जो मनाजिर आपको जहन्नम के दिखाए गए एक मंज़र ये दिखाया गया कि एक आदमी खून की नदी में गोते खा रहा है डुबकियाँ खा रहा है जब वो जो है क्या नाम है बाहर आने की कोशिश करता है तो उसको पत्थर से मारा जाता है और उसके मुँह में पत्थर डाला जाता है अल्लाह के नबी आई सलाम ने पूछा ये कौन शख्स है तो बताया गया कि यह सूद है इसी तरह से नाजरे ने कम उन अमाल में से जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाले हैं कुरान सीख करके भुला देना और फर नमाज छोड़कर सोना यह अल्लाह के नबी सलाम की, की हदीसों में कुरान आदमी जब सीखता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस पर अमल करे उसको आगे तक पहुँचाए लोगों को सिखाए फन नमाज़ों को वक्त पर अदा करे लेकिन जब आदमी कुरान सीख करके सोता है और उसको भुला देता है तो यह अमल जहन्नम में ले जाने वाला अमल है और उन्हीं मनाजर में से जो मनाजिर आपको दिखाए गए एक मंजर आपने ये देखा कि एक आदमी का सर पत्थर से कुचला जा रहा है एक आदमी लिटाया हुआ है और एक बड़े पत्थर से उसके सर पर मारा जाता है सर के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं और पत्थर लुढ़क जाता है जब वो आदमी उस पत्थर को उठाने जाता है लेकर के आता है है कि इसी बीच में वो हो जाता है। फिर दोबारा उसके साथ ऐसे ही किया जाता है और बराबर उसके साथ यही जारी है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा है कौन शख्स है नबी से फरमाया गया कि ये वो शख्स है जिसने कुरान को सीख कर भुला दिया था कुरान को सीख कर भुला दिया उस पर अमल नहीं उसको लोगों तक पहुंचाना नहीं उसकी दावत तबलीग नहीं और फ़र्ज नमाजों को छोड़कर सोया करता था नौजुम्ला ये भी बुखारी की रिवायत है नाजरीन कराम इसी तरीके से जहन्नम की तरफ ले जाने वाले अमाल में से ये अमल भी है कि आदमी दूसरों को हक़ की तलकिन करे और ख़ुद हक बात पर अमल ना करे दूसरों को हक़ हाँ की तलकीन करे दूसरों को अच्छी बातें बताए नमाज़ पढ़ो ज़कात दो रोज़ा रखो हज करो सच बोलो ये जो है सारी चीज़ें लोगों को बताए और जो है बुराइयों से मना करे नमाज मत छोड़ो सूद ना खाओ ज़िना ना करो झूठ ना बोलो मगर वो खुद हक हाँ बात पर अमल ना करे और बुराइयों से बचे ना ऐसे शख्स को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा चुनान्च उसमर से मरफू रिवायत है कि नबी सन फरमाया कि एक आदमी को क़यामत के दिन लाया जाएगा और उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा और जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो वो जल करके उसकी अतवड़ियाँ बाहर आ जाएंगी और वो अपनी अतवियों को लेकर के ऐसे घूमेगा जैसे गधा जो है क्या नाम है कोल्हू को लेकर के घूमता है और उसको घुमाता है ऐसे घूमेगा कुछ लोग जहन्नम में उसको देखेंगे तो कहेंगे फ़लान तुम तो वो हो जो हमें अच्छी बातें बताते थे और बुरी बातों से रोकते थे आज तुम यहाँ जहन्नम में कैसे वो कहेगा हाँ मैं अच्छी बातें बताता था मगर खुद अमल नहीं करता था और बुरी बातें बताता था मगर मैं खुद उनका अंजाम देता था तो इसलिए अल्लाह ने मुझे सजा दी है इमाम बुखारी रही की रिवायत करदा हदीस है इसी तरीके से नदरीन के राम जहनम की तरफ ले जाने वाले अमाल में से एक अमल है खुदकुशी करना खुदकुशी करना नौजबिल्ला आज के माहौल में इस चीज़ में इजाफा होता जा रहा है आदमी की सेहत ख़राब है इलाज नहीं हो पा रहा है या इलाज के लिए पैसे नहीं है तो आदमी खुदकुशी कर लेता है नौजबिल्ला आदमी के ऊपर कर्ज का बहुत ज़्यादा हो गया आदमी खुदकुशी कर लेता है नौज बिल्ला आदमी बीबी बच्चों से बहुत परेशान है आदमी खुदकुशी कर लेता है नौजबिल्ला एजुकेटेड आदमी है और जो है क्वालिफाइड आदमी है मुलाजमत नहीं मिल रही है खुदकुशी कर लेता है नौज बिल्ला किसी से झगड़ा है तो खुदकुशी कर लेता है ख़ुदकुशी करना ये वो अमल है जो इन को जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है अल्लाह के जो बंदे हैं जो मोमिन बंदे हैं वो जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी मुसीबतें आती है जो भी परेशानियां आती हैं इससे हमारे दर्जात बुलंद होते हैं इससे हमारे सवाब में इजाफ़ा होता है इससे हमारे गुनाह मिटते हैं ये नेमत हैं अगर हम उनमें सब्र से काम ले लें तो इंसान को मुसीबत के वक्त में सब्र करना चाहिए ना कि ख़ुदकुशी करना चाहिए चुरान चेल्ला के नबी नबीत वसलम ने फरमाया अब रज़ी रावी हैं कि नबी फरमाते हैं कि जो अपना गला घूट करके मरता है जो खुदकुशी करके मरता है वो जहन्नम में भी अपना गला घूट घूट कर ऐसे मरता रहेगा उसको यह सजा दी जाएगी और जो किसी लोहे और हथियार से अपने आप को ख़त्म कर लेता है ऐसे जहन्नम में भी अपने आप को ख़त्म करता रहेगा तो खुदकुशी करने वाला जहन्नम में जाएगा और खुदकुशी करना यह जहन्नम में ले जाने वाला अमल है इमाम बखारी रमोल की रिवायत करदा हदीस है इसी तरीके से नादरीन कराम जहन्नम की तरफ ले जाने वाले अमल में से एक अमल है शराब पीना नशा और चीज़ों का इस्तेमाल करना नशा और चीज़ हराम है इस्लाम में शराब नहीं पिया जा सकता है ड्रग्स नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं ये हराम है और अल्लाह ने इनको हराम किया है नबी ने हराम किया है अल्लाह के नबी नबीला ने फरमाया और हर खम्र, खम्र हराम है तो ये जहन्नम में ले जाने वाला अमल है और आपके सामने बात आ चुकी है कि अल्लाह के नबीत ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे

इस्तात के बावजूद ताकत होने के बावजूद हज ना करना यह जहन्नम में ले जाने वाला अमल है अल्लाह तरन करीम में साथ माया है हैुलबैती मन सबीला व मन का फ़राफ इन अल्लाह गानी उनमिन की अल्लाह तबार को तला के लिए लोगों पर हज करना फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला के लिए हज करें अल्लाह तबारक लिए हज करना ज़रूरी है अल्लाह ने फरमाया कि जो एराज करेगा जो मुंह मोड़ेगा तो फिर अल्लाह तबारा बे न्याज है तो हज ना करना यह भी अल्लाह ताला की मुखालफत है जिस पर अल्लाह तबारक ताली आजाब से दोछार करेगा इसी तरीके से जहन्नम की तरफ ले जाने वाले अमाल में से रियाकारी है दिखाने के लिए अमल करना दिखाने के लिए नमाज पढ़ना दिखाने के लिए तिलावत करना दिखाने के लिए रोज़ा रखना दिखाने के लिए नेक बनना तो जो शोहरत और रियाकारी और नमूद ये मकसद अगर किसी का है अमल साले का तो यह भी जहन्नम में ले जाने वाला अमल है और इसमें वो सही मुस्लिम की लंबी वाली हदीस जो आपके साथ गुजर चुके हैं नदरिन कराम हमने आपको सुनाया है कि सबसे पहले क़यामत के दिन जहन्नम में जिन लोगों को डाला जाएगा उनमें से एक वो होगा जिसके पास कुरान का इल्म होगा दूसरा

ज जैसी बातों को नबी वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं जो नबी सी ने नहीं कही है और ऐसी बातों को आपके हदीस से बताते हैं जो आपने नहीं बयान फरमाई है वलियाज अल्लाह के नबी वसल्लम की तरफ झूठी बातें मंसूब करना यह जहन्नम में ले जाने वाला अमल है जो बातें नबी वसल्लम से पसंद सही साबित हैं इंसान को चाहिए कि उन्हीं बातों को नबी सल मंसूब करे नबी ने फरमाया सा मैकुल मालम अकुल फल तब मक़ा सही बुखारी की हदीस है कि जो मेरी तरफ उन बातों को करता है जो मैंने नहीं कहा है तो उसको अपना ठिकाना जहन्नम बना लेना चाहिए जो मेरी तरफ ऐसी बातों को मंसूब करता है जो मैंने नहीं कहा है तो उसको अपना ठिकाना जहन्नम बना लेना चाहिए तो नबी वसल्लम की तरफ ऐसी बातों को मंसूब करना जो आपने नहीं कही है यह जहन्नम में ले जाने वाला अमल है इसी तरह से नादरीन कराम जहन्नम में ले जाने वाले अमाल में से एक अमल है तकबर करना गुरूर और घमंड करना जिसमें दिल और जो है दिमाग में ताली होना और अनानियत होना और लोगों से बर्तरी का एहसास होना और लोगों को हकीर समझना लोगों को छोटा समझना तकबर घमंड और गुरूर ये भी जहन्नम में ले जाने वाला जो है अमल है और जैसे मैंने आपको वह हदीस भी सुनाई जिसमें अल्लाह के नबी सलाम ने फ़रमाया कि लायत खुलन्नत मन का नफ़ी कल भी मख़ालो हब्बत खरदली मिनल किबर जन्नत में वो शख्स नहीं जाएगा जिसके दिल में राय के दाने के बराबर तकबर होगा राय के दाने के बराबर किब्र है तकब्बर है घमंड है वो जन्नत में नहीं जाएगा अल्लाह के नबीत उमी सा फरमाते हैं सही मुस्लिम की हदीस में कि अल्लाह ने फरमाया कि अल इज़्ज़्ज़ इज़ारी इज़्ज़त ये मेरी चादर है मेरी लुंगी मेरा इज़ार है और किबरिया तकबर बड़ाई ये मेरी चादर है जो उसमें मुझसे झगड़ा करेगा मैं उसको अजाब दूंगा मैं उसे अजाब से चार करूँगा तो तकबर करना गुरूर करना घमंड करना यह जहन्नम में ले जाने वाले अमाल में से एक अमल है इसी तरीके से नदरीन कराम जहन्नम में ले जाने वाले अमाल में से एक अमल ये भी है कि दुनियावी मफाद दुनियावी मकसद और दुनियावी फ़ायदे के लिए और इसी तरीके से लोगों पर बर्तरी हासिल करने के लिए शहरत के लिए और बड़ा बनने के लिए नौजबिल्लाम हासिल करना दीनी इल्म इसलिए हासिल करना कि ताकि लोगों से जो है मुनाजि करें लोगों से बहस करें लोगों पर बरतरी हासिल करें और इसी तरीके से दुनिया मफाद हासिल हो इसलिए दीनी हासिल करना कोई आदमी दुनिया इल्म हासिल करे जो है क्या नाम है बड़ा बनने के लिए और जो है मालदार बनने के लिए कोई मसला नहीं है मगर दीनी हासिल करे जो अल्लाह किरदा के लिए हासिल किया जाता है इसलिए कि ताकि दुनिया मकसद हासिल हो मफाद हासिल हो और लोगों से बरतरी हासिल हो तो यह भी जहनम में ले जाने वाला अमल है

अल्लाह तबारक वाली उसको जहन्नम में दाखिल कर देगा तो नाज्रीन कराम इल्म को हासिल करना सिर्फ़ अल्लाह के लिए अल्लाह की रजा के लिए जरूरी है इसलिए हमें दीनी अल्लाह की रजा के लिए हासिल करना चाहिए चाहे वो किसी मदरसे में हो चाहे वो किसी चैनल के जरिए हो चाहे वो किसी किताब के जरिए हो और चाहे वो किसी इज्तम और दर्श और दरूस के जरिए हो हर हालत में जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं वो अल्लाह तबारा की रजा के लिए हासिल करें तो ये इल्म हासिल करना दुनिया मकसद के तहत और इसी तरीके से लोगों पर बरते हासिल करने के लिए में मिले जाने वाला अमल है नगरी ने के राम इसी तरीके से जहन्नम में ले जाने वाले अमल में से एक अमल है लोगों का माल नाहक हड़प करना किसी का माल है उसको दबा लिया पड़ोसी की ज़मीन को दबा लिया किसी के जो है अमानत को दबा लिया किसी के कर्ज को मार लिया किसी का हक मार लिया ये में ले जाने वाला अमल है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन नबीत उसमा रजावनफीम बगैर हक़ फ़लह मुन्नाकयाम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के माल में बग़ैर हक़ के घुसते हैं आपका हक नहीं है फिर भी हक जताता है ऐसे लोगों के लिए क्यामत के दिन जहन्नम है इसी तरीके से नादरिन किराम में ले जाने वाले अमाल में से एक अमल ये भी है कि बुढ़ापे में जना करना बुढ़ापे में जना करना जब इंसान की ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं उसके बावजूद भी वो करता है तो ये जो है क्या नाम है जहन्नम में ले जाने वाला अमल है चुनान अल्लाह के नबी सला ने फरमाया तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको जिनसे अल्लाह तआला क़यामत के दिन बात नहीं करेगा उनके गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा उनको दर्दनाक अजाब देगा एक तो बूढ़ा जनाकार है और झूठा जो है बादशाह है और इसी तरीके से फ़कीर तकब्बुर करने वाला है यानी बूढ़ा बुढ़ापे में जना करता है नौजबी जवानी में भी जना गुनाह है हराम है मगर बुढ़ापे में करना ये इस बात की दलील है कि यह आदमी खैर से बहुत दूर है इसी तरीके से हुकूमत होने के बावजूद भी झूठ बोलना इसी तरीके से फकर के बावजूद भी तकबर करना एक अमल है कपड़ा टखने से नीचे लटकाना एहसान जतलाना और झूठी कसम खाकर अपना सामान बेचना यानी कपड़ा टखने से नीचे लटकाना जरूरी है कि इंसान अपने कपड़े को टखने से ऊपर रखे एहसान न जतलाए नबी सी के लोग ऐसे हैं जैसे अल्लाह बात नहीं करेगा गुनाहों को माफ नहीं करेगा और दर्दनाक अजाब देगा उसमें से कपड़ा टकने से नीचे लटकाने वाला है एहसान जतलाने वाला है आपने किसी पर एहसान किया है दो चार दस हजार की मदद कर दी है कोई मौका आता है तो आप एहसान जतलाते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और नौजबी उसकी इज्जत को उछालते हैं यह बहुत बड़ा गुना है और अपने सामान को झूठी कसम खाकर के जो है बेचना इसी तरीके से जानवरों पर जुलम करना एक औरत को अल्लाह तला ने जहन्नम में दाखिल कर दिया सही मुस्लिम की हदियत के मुताबिक उसने एक बिल्डिंग को बांध लिया एक औरत को जहन्नम में दाखिल किया एक बिल्ली की वजह से कि उसने बांध लिया उसको खाना पानी भी नहीं देती थी और छोड़ती भी नहीं थी तो जानवरों पर जुल्म करना यह भी जहन्नम में ले जाने वाले अमल में से एक अमल है नजर कराम ये नशस्त में हमने आपके सामने उन अमाल को पेश किया कि जो जहन्नम में ले जाने वाले अमल हैं हालांकि हर वो अमल जो अल्लाह रसूल की मुखालफत है वह जहनम की तरफ ले जाने वाला अमल है हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताली का फर्मा बर्दार बंदा बन करके ज़िंदगी गुजारें नबी नबीम के अहकाम पर अमल करें और कभी उनकी मुखालफत ना करें अल्लाह तालम से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन अमाल से बचाए जो जहन में ले जाने वाले हैं हज़मा हिंदी अल्लाह ताली आलमदिल्ला रबीआलम सल महमद वसलम तस्मन कथीरा